बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के एक फीचर ईमेलिंग सिस्टम्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम आपको इंटरनेट के एक और अहम फीचर न्यूज ग्रुप की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूज ग्रुप होता क्या है? दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंटरनेट को सिर्फ दो वजूहात की बिना पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन इज कम्युनिकेशन, यानी जब हमें किसी से बात करनी होती है। एंड नंबर टू इज इंफॉर्मेशन, यानी जब हमें किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करनी होती है। तो इन दोनों वजूहात की बिना पर हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप ईमेल, चैट्स वगैरह की एप्लीकेशन को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वेब ब्राउजर की मदद से उसे सर्च करेंगे। यानी आपको इंफॉर्मेशन के लिए अलग और कम्युनिकेशन के लिए एक अलग एप्लीकेशन को यूज करना होगा। लेकिन इंटरनेट आपको एक ऐसा फीचर भी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक साथ कर सकते हैं, और वो फीचर कहलाता है न्यूज ग्रुप। तो दोस्तों, इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म के डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उन डिस्कशन ग्रुप्स में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से डिस्कशन की जाती है। और दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स इंटरनेट की मदद से उस ग्रुप को ज्वाइन करके, उस ग्रुप में उस ग्रुप को सब्सक्राइब करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ हिस्सा बनने से मुराद क्या है? हिस्सा बनने से मुराद ये है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसमें होने वाली डिस्कशंस को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि खुद भी उस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, खुद भी उस ग्रुप में सवाल जवाब कर सकते हैं। और इस तरह के ग्रुप्स को न्यूज ग्रुप्स का नाम दिया जाता है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से ना सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं बल्कि उस ग्रुप में मौजूद लोगों से उस टॉपिक के हवाले से सवाल जवाब यानी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूज ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है तो वो कंप्यूटर के न्यूज ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह अगर किसी का शौक टीवी शोज, क्रिकेट या कुकिंग और हेल्थ से रिलेटेड है तो वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के से रिलेटेड न्यूज ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। विच मीन्स कि इंटरनेट पर आपको लाखों की तादाद में अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड न्यूज ग्रुप्स मिल जाएंगे। और इंटरनेट पर इन तमाम न्यूज ग्रुप के कलेक्शन को नाम दिया जाता है यूजनेट का। विच मीन्स कि द टर्म यूजनेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूज ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। अब फ्रेंड्स, आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के न्यूज ग्रुप को का पार्ट किस तरह बन सकते हैं? आप सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करेंगे किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए अलग अलग कंट्रीज में मौजूद लोगों से, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी न्यूज ग्रुप को सर्च करेंगे। लेकिन अगर आप उस न्यूज ग्रुप पर मौजूद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस न्यूज ग्रुप को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस न्यूज ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर आप उस ग्रुप पर मौजूद पोस्ट और मैसेजेस को भी देख सकते हैं। और अगर खुद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ है, कोई सवाल किया हुआ है, और अगर आपके पास उसका जवाब मौजूद है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। विच मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ही सकते हैं, साथ के साथ दुनिया में मौजूद उन तमाम लोगों से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट, जिनका शौक आपके शौक से मिलता जुलता है। क्योंकि दोस्तों, न्यूज ग्रुप के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर जो भी कोई एक पर्सन कोई क्वेश्चन या फिर कोई पोस्ट करता है तो तमाम लोग उस पोस्ट को देख सकते हैं और उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूज ग्रुप काम कैसे करता है? तो फ्रेंड्स, न्यूज ग्रुप की तमाम इंफॉर्मेशन जिन सर्वर्स में पड़ी होती है वो सर्वर कहलाते हैं न्यूज सर्वर। और वो न्यूज सर्वर इंटरनेट पर मौजूद कई और सर्वर से कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लें एक न्यूज ग्रुप है जिसको 1000 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस न्यूज ग्रुप पर जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर हो रही होगी एक सर्वर में,
और वो सर्वर कहलाएगा न्यूज सर्वर। और दोस्तों अब आप अगर आप कहीं से एक आर्टिकल जो कि किसी और सर्वर पर पड़ा है उसका लिंक पोस्ट कर देते हैं अपने न्यूज ग्रुप पर, तो इस तरह जो आपके न्यूज ग्रुप का सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा उस सर्वर से जिसका आर्टिकल आपने पोस्ट किया है। इसी तरह अलग अलग सर्वर्स उस न्यूज ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम सर्वर्स को न्यूज सर्वर से कनेक्ट होने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करना होता है और वो प्रोटोकॉल कहलाता है NNTP प्रोटोकॉल, यानी नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इस तरह न्यूज ग्रुप और न्यूज सर्वर के जरिए आप एक ही एप्लीकेशन पर एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए इंटरनेट पर ना सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बल्कि इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये था न्यूज ग्रुप। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम ICS पार्ट 2 की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।